हैप्पी चॉकलेट डे। आई होप आपको पता है दैट टुडे 7th ऑफ जुलाई इज वर्ल्ड चॉकलेट डे। वेल, ऐसा नहीं कि इस दिन चॉकलेट इन्वेंट हुआ था। चॉकलेट तो 3000 साल पहले से यूज हो रहा है दुनिया में। ओके, वो कैकाओ सीड्स जो है जिसके बीज से चॉकलेट बनता है, साउथ अमेरिका के एस्टेक प्रांत में, एस्टेक एक सिविलाइजेशन था, जैसा हमारे यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु नदी में जो वैली में जो सिविलाइजेशन था, वैसे हजारों साल पहले वहां पर साउथ अमेरिका में, जब वहां पर कोई यूरोपियन पहुंचे भी नहीं थे, तब से चॉकलेट बनते आ रहे हैं वो लोग। इनफैक्ट चॉकलेट के वो सीड्स का इस्तेमाल करके पानी भी बनाते थे, जूस बनाते थे, इवन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी बनाते थे। तो 15वीं शताब्दी में जब पहली बार स्पेनिश इन्वेडर्स वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर ये ड्रिंक टेस्ट किया, उसके बाद वो यूरोप में पहुंचा और उसके बाद लोगों को, दुनिया को उसके बारे में खबर मिली। तो 7 जुलाई 1550, ऐसा कहा जाता है 7 जुलाई 1550 में चॉकलेट पहली बार यूरोप में लाया गया स्पेनिश लोगों द्वारा, और इसीलिए उसे वर्ल्ड चॉकलेट डे करके मनाया जाता है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी डिफरेंट चॉकलेट डेज अलग अलग देशों में। सो आज का हमारा निमोनिक है चॉकलेट, CHOCOLATE। वेल, आई थिंक एवरीवन लव्स चॉकलेट। ऐसा एक सर्वे में कहा गया है कि 90% लोग दुनिया के चॉकलेट पसंद करते हैं। 90%, हर 10 में से 9 लोगों को चॉकलेट पसंद है, एक आधा होगा जिसको शायद पसंद ना हो, किसी के मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, बट 90% पीपल लव चॉकलेट। कैन यू बिलीव दैट? शायद ही कोई ऐसी चीज है दुनिया में जिसको इतनी पॉपुलैरिटी है, अदरवाइज थोड़े एवरेज में मार खा जाते, बट चॉकलेट जैसा कोई नहीं। तो सी, चॉकलेट का जो सी है, चिल्ड्रंस डिलाइट। बट व्हेन आई से चिल्ड्रंस डिलाइट, आई जस्ट डोंट मीन कि छोटे बच्चे, आप और मैं भी, इवन 70 साल के बुड्ढे भी चॉकलेट देखा तो छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाते हैं। सो चॉकलेट से सीखने जैसी क्या बात है कि इट इज पॉपुलर विद एवरीवन। आपको भी कोशिश करनी है कि अलग अलग एज ग्रुप के साथ, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ आप मिक्स हो सके। ओके, और एक, अभी जैसे ही मैंने दो फ्लेवर बताए, एक ऑरेंज है, एक हेजलनट है, एंड आई नो दैट आप में से बहुत लोगों को पता है कि चॉकलेट के कितने सारे फ्लेवर्स है, तो इट मिक्सेस विद एवरीवन, सबके साथ मिक्स होता है। आइसक्रीम में मिला सकते हो आप, उसका मिल्क शेक बना सकते हो आप, उसके कितने अलग अलग व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हो। सो मिक्सिंग विद एवरीवन, दैट इज अनदर थिंग। देन चॉकलेट का एच, हाईली न्यूट्रिशियस। आप बोले हैं न्यूट्रिशियस, चॉकलेट में तो शुगर होता है, चॉकलेट से तो दांत खराब होते हैं। हाँ, जो नॉर्मल मिल्क चॉकलेट आप और हम खाते हैं, मैं कोई ब्रांड के नाम नहीं लूंगा नहीं तो मुझे लीगल नोटिस आ जाएगा, जो नॉर्मल मिल्क चॉकलेट हम खाते हैं, जो सब जगह यू नो पॉपुलर है, जिसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, सब लोग खाते हैं, वो हार्मफुल है। एक आधा पीस खाया तो ठीक है, बट अगर आप बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हो तो उससे आपके दांत तो शहीद होने ही वाले हैं, आपकी सिस्टम में खराब होने वाली है, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ने वाला है, ओवरऑल इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू लॉट। बट जो डार्क चॉकलेट है, नाउ व्हेन आई से डार्क चॉकलेट, 70% जिसमें कोको कंटेंट है, वो पैक पे लिखा हुआ रहता है 70% अगर कोको का उसमें अमाउंट है, उससे ज्यादा भी अगर है, तो वो आपके लिए हाईली न्यूट्रिशियस होता है। एक्चुअली उसमें आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, एंड ऐसा भी कहते हैं कि चॉकलेट का जो ओ है, ऑक्सीडाइज करता है, वो आपके ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट का भी रोल प्ले करता है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए आपको अलग अलग बड़ी बड़ी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो 70% वाला जो चॉकलेट है, 70% कोको वाला, आप बस वो खाएगी। ओके, बाकी हमको स्विस लोगों का रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है। जो स्विट्जरलैंड है वहां पर मिल्क चॉकलेट, जो मैंने बोला थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में खाया तो हार्मफुल हो सकता है, वो चॉकलेट कितना खाता है बोले एवरेज स्विस इंसान, 9.5 किलो साल में। 9.5 किलो का अगर अंदाजा आपको नहीं है तो ये जो इतना बड़ा चॉकलेट है ये सिर्फ 150 ग्राम का है, 150 ग्राम, मतलब ऐसे अगर 10 पैकेट होंगे तो 1.5 किलो बनेगा, और वैसे अगर मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे तो आपको 9 किलो मिलेगा। सो इमेजिन ये लोग कितना चॉकलेट कंज्यूम करते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंजम्पशन स्विट्जरलैंड में। बट एनीवे, जिसको पसंद है नो प्रॉब्लम। ओके, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि थोड़ा मॉडरेशन में रखो। सो ऑक्सीडाइजिंग का भी काम करता है, देन ऑक्सीजन देने का रहता है, ऑक्सीडाइज करने का नहीं, सॉरी। चॉकलेट का नेक्स्ट सी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल।
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने आज कम से कम 10 अलग अलग वेबसाइट्स देखे हैं जिसमें ये बताया गया है कि चॉकलेट कैसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। बट वापिस वही डार्क चॉकलेट, 70% कोको एंड उससे ज्यादा कंटेंट होगा, तो वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सो आई एम श्योर आप में से बहुत लोग जो डार्क चॉकलेट से दूर रहते, डार्क चॉकलेट इज एन एक्वायर्ड टेस्ट, सब लोगों को पसंद नहीं आता, जैसे करेला सबको पसंद नहीं है बट हेल्थ बेनिफिट है, वैसे ही डार्क चॉकलेट का भी है, उसका आपको बिटर टेस्ट पसंद नहीं आएगा बट आप जब उसको थोड़ा थोड़ा पसंद करना स्टार्ट करोगे, आई विल टेल यू, यू आर गोइंग टू लव दैट। और फिर आप ये मीठा मीठा चॉकलेट खाना छोड़ दोगे, वो सब बच्चों के लिए रखोगे आप। देन हाँ, अब मैं जब बात कर रहा हूं तो खतरों की भी बात करनी चाहिए। ओ फॉर ओबेसिटी, ओके, चॉकलेट से ओबेसिटी होती है। अगर आप ज्यादा मिल्क चॉकलेट खाओगे, ज्यादा शुगर वाला चॉकलेट खाओगे तो डेफिनेटली आपको ओबेसिटी होने वाली है, उसकी वजह से आपका वजन बढ़ेगा, आपके बाकी के ट्रबल्स भी बढ़ सकते हैं। सो वापस वही बोल रहा हूँ, जो मार्केट में रेगुलरली मिलने वाले चॉकलेट्स है उन्हें बहुत लिमिटेड मात्रा में खाइए, थोड़ा सा ही खाइए, खाइए नो प्रॉब्लम, एनीथिंग इन मॉडरेशन इज ओके। बट अगर आपको हेल्थ बेनिफिट वाला चॉकलेट खाना है तो डार्क चॉकलेट, ओके। देन द नेक्स्ट वन दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इज, हाँ, चॉकलेट का COCOL, लोअर्स PMS। अब जो लेडीज है उनको पता है PMS क्या है, जिनको पता नहीं होगा, जेंट्स को भी पता होना चाहिए आज की दुनिया में, बट नहीं पता होगा, तो PMS इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम मतलब जो लेडीज को हर महीने मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स होते हैं, उस टाइम पे जो 2 या 3 दिन पहले बहुत ज्यादा दर्द होता है PMS, तो देर आर मेनी लेडीज हु सफर फ्रॉम PMS और उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ये एक बहुत अच्छा साथी है, इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियों को क्रेविंग भी होता है चॉकलेट खाने का। उसके पीछे रीजन भी ये है कि हमारा जो बॉडी है, जो लेडीज का, जो फीमेल का जो बॉडी है, वो अपने आप आइडेंटिफाई करता है कि जो खाना इस लड़की ने बचपन से खाया है उसमें से कौन सा खाना ये दर्द को थोड़ा सा कम कर सकता है, और इसलिए आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में वो जूसेस रिलीज होते हैं जो डिमांड करते हैं भाई चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। अगेन उस टाइम में भी डार्क चॉकलेट खाओगे तो ज्यादा बेहतर है, बट अगर उस टाइम पे आपको नहीं मिला और आप रेगुलर चॉकलेट खाते हो तो भी कोई बात नहीं, इट विल डेफिनेटली हेल्प, ओके। देन एक इंपॉर्टेंट टिप बताना चाहता हूं आपको, रात को कभी अगर क्रेविंग भी हुई चॉकलेट की, भूख लगी और चॉकलेट खाने गए, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट या हार्वर्ड की भी सर्वे में बोला गया है कि यू शुड अवॉइड हैविंग चॉकलेट एट नाइट, इट इज वन ऑफ द 5 फूड्स जो आपने रात को खाना नहीं चाहिए। बाकी के क्या है वो छोड़ दो, बट अभी चॉकलेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि चॉकलेट में थोड़ा कैफीन होता है, कैफीन से क्या होता है आपको एनर्जी आ जाती है, पेट तो भरने वाला नहीं आपको, थोड़ी देर बाद वापस भूख लगने वाली है, तो चॉकलेट का एक्चुअली भूख नहीं लगी आपको, स्वीट टूथ, चॉकलेट का क्रेविंग है। तो अगर आपको रात को जागना है, काम करना है, कोई प्रोजेक्ट फिनिश कर रहे हो, यस फॉर देट इफ यू वॉन्ट टू सिट अराउंड, आप बिंदास चॉकलेट खाओ, उससे आपकी नींद भाग जाएगी, बट अदरवाइज कोशिश करें। ऑफकोर्स चॉकलेट में जितना कैफीन है उससे कहीं ज्यादा कॉफी में, तो अगर आपको जागना ही है तो ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर पियो, तो एटलीस्ट आपके शुगर लेवल्स बढ़ेंगे नहीं। तो आप रात के टाइम पे अगर चॉकलेट खाते हो जिसपे शुगर भी है तो क्या होने वाला है, ना आपकी भूख मिटेगी, इनफैक्ट बॉडी में शुगर जाएगा और आपके जो शुगर लेवल्स है, इंसुलिन लेवल्स, वो बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे और आपको बाद में नेक्स्ट डे भी तकलीफ होगी। द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, टी, इट्स अ ट्रैवल कंपेनियन, टी फॉर ट्रैवल कंपेनियन। अगेन आप ठेपला लेके जाओ, आप सैंडविच लेके जाओ, कुछ भी पैक करके लेके जाओ, बट कहीं ना कहीं बैग में से चॉकलेट निकला तो बेटा मन में लड्डू फूटा, ऐसा होता है ना। सो चॉकलेट ब्रिंग्स अ स्माइल, सो ट्रैवलिंग करते वक्त भी जरूर चॉकलेट कैरी कीजिए। ऑफकोर्स अगर आप किसी गर्म जगह पर जाते हो जहां पर बहुत हीट है, तो बाद में वो चॉकलेट का आपको चॉकलेट नहीं दिखेगा, वो क्या हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, बट वो कीचड़ खाने में भी मजा आएगा। सो रैपर खोल के ये बहुत मजा आने वाला है। सो राइट नाउ आई डोंट नो आप लोगों को मैं कितनी देर ये चॉकलेट का रैपर बंद रख सकता है, आई डोंट थिंक आई कैन कीप इट क्लोज फॉर लॉन्ग। तो मैं आपको जल्दी से लास्ट पॉइंट बता देता हूं कि चॉकलेट में होते हैं ई फॉर एंडोर्फिन्स, ओके। एंडोर्फिन्स मतलब क्या, कि उससे आपका दिमाग शांत होता है और एनर्जी लेवल बढ़ती है, ओके। एंड ये जो एंडोर्फिन्स है
ये आपको बहुत हेल्प करते हैं, अभी मैं तो टेम्प्ट हो रहा हूँ भैया। मुझे आपको और कुछ बताना है, चॉकलेट का जो नाम है वो किस पे से आया? थियोब्रोमा कोकाओ, थियोब्रोमा कोको या कैकाओ, एंड थियोब्रोमा ये ग्रीक वर्ड है फॉर गॉड ऑफ, फूड ऑफ गॉड्स। ओके, फूड ऑफ गॉड्स, सो दिस इज द फूड ऑफ गॉड्स। इसलिए आप भी खाइए जरूर, अभी आप भी मैं खा रहा हूं, ये ऑरेंज ट्रॉपिकल ऑरेंज वाला है। एंड और जो मैंने बताया था ना कि चॉकलेट का ओरिजिन एजटेक्स के टाइम हुआ, एजटेक्स का जो वर्ड था शोकोलात, शोकोलात का एक्चुअल मीनिंग क्या था? बिटर वाटर। तो ओरिजिनल जो 3,000 साल पहले वाला चॉकलेट है उसका ओरिजिनल टेस्ट बिटर यानी कड़वा ही है। तो आप भी कड़वे चॉकलेट एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए, ओके, डार्क चॉकलेट एंजॉय कीजिए, अभी तो मैं खा रहा हूं। एंड सामने दो लोग बैठे मेरे घर में, के विहान एंड ये मिम्मी, दोनों देख रहे रहा कि उनका नंबर कब आएगा। मैं अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा उनको क्योंकि हम और एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। दिस अ वेरी अच्छे डे, रोज आपके लिए नया वीडियो ला रहा हूँ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आज वर्ल्ड चॉकलेट डे पे ये टॉपिक है चॉकलेट। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट। एंड अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है तो जरूर जाइए और खाइए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थिंग, बाय बाय।